हेलो एंड वेलकम यू ऑल. आई एम सीएससीएस अंशुल अग्रवाल एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन अन अकेडमीज यूट्यूब चैनल. सो माय डियर फ्रेंड्स, सीए फाउंडेशन रिजल्ट अनाउंस होने के बाद सबसे पहली चीज जो आप सभी को करनी चाहिए वो है आपका सीए इंटरमीडिएट का रजिस्ट्रेशन. यस माय डियर फ्रेंड्स, यू हर्ड मी राइट. द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड डू इज रजिस्टर योरसेल्फ विद द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया फॉर सीए इंटरमीडिएट कोर्स. वेल, ये जो भी पूरी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस होती है, दिस इज टू बी डन ऑनलाइन ऑन द इंस्टीट्यूट वेबसाइट. सो दिस इज अ ट्यूटोरियल वीडियो एंड यू आर वॉचिंग मी अंशुल अग्रवाल लाइव ऑन दिस वीडियो वेयर आई एम गोइंग टू टेक यू थ्रू दिस एंटायर जर्नी. मैं आपके सामने यहाँ एक लाइव रजिस्ट्रेशन करके दिखाऊंगा एक स्टूडेंट का, जहाँ आपको पता चलेगा कि कैसे रजिस्ट्रेशन किया जाता है. मैं सभी बच्चों से यहाँ रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इट इज बेटर टू फर्स्ट लर्न एंड देन डू रजिस्ट्रेशन एंड नॉट टू कमिट एनी टाइप ऑफ मिस्टेक. क्योंकि अगर कोई मिस्टेक हो गई तो उसको रेक्टिफाई करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो सकता है ना. सो प्लीज स्टे विद मी इन दिस वीडियो टिल द एंड, ताकि मैं आपको पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बता सकूं और आपको बता सकूं कि किस तरीके से रजिस्ट्रेशन किया जाता है. आगे बढ़ने से पहले एक क्विक इंट्रो मेरे बारे में, जो बच्चे मुझे नहीं जानते उनके लिए. कौन हूं मैं? दोस्तों, मैं हूं अंशुल अग्रवाल. आई एम अ फर्स्ट अटेम्प्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड अ कंपनी सेक्रेटरी बाय प्रोफेशन एंड अ हार्डकोर टीचर बाय पैशन. आई एम लीडर ऑफ अन अकेडमी चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स, रैंकिंग एज नंबर वन एजुकेटर ऑन अन अकेडमी प्लेटफॉर्म, टीचिंग फॉर मोर देन 9+ ईयर्स नाउ एंड बीन मेरिट रैंकर इन 12th स्टैंडर्ड. सो मैं यहाँ पे आता हूँ अपनी पूरी टीम के साथ, जो आपके लिए मेहनत करती है ताकि आपके आने वाले कल को आपके बीते हुए कल से बेहतर बना सके. ICICA इंटरमीडिएट रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है, इसको मैंने डिवाइड किया टोटल 6 स्टेप्स में. पहले मैं आपको थ्योरेटिकली बताता हूँ और फिर एक्चुअल रजिस्ट्रेशन करके दिखाऊंगा. सबसे पहला जो है स्टेप आपको करना है कि आपको ये रजिस्ट्रेशन इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाके करना है. यहाँ पे मैंने उसका एड्रेस लिखा है, बट फिर भी मैं आपको करके दिखाऊंगा, पता चलेगा. सबसे पहला स्टेप होता है प्री वर्क. बिफोर यू सिट टू डू रजिस्ट्रेशन, यू नीड टू हैव सम इंफॉर्मेशन एंड सम डॉक्यूमेंट्स टू कीप हैंडी विद यू, एंड दे आर लाइक यू नीड योर SSP सेल्फ सर्विस पोर्टल लॉगिन ID एंड पासवर्ड. तो आप सभी को पता है कि सेल्फ सर्विस पोर्टल का लॉगिन ID जो होता है वो होता है आपका स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर @ICI.org. सो आपका स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि स्टार्ट होता है ERO, WRO, NRO, SRO या CRO से @ICI.org एंड देन यू नीड पासवर्ड. नो प्रॉब्लम इफ यू फॉरगेट पासवर्ड, देर इज अ लिंक टू रीसेट योर पासवर्ड जो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा. यू नीड योर 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट अगर अपलोड नहीं की है तो, एंड यू नीड द पेमेंट डिटेल्स. आफ्टर दिस स्टेप नंबर 2 इज यू नीड टू गो टू दिस पर्टिकुलर लिंक एंड लॉग इन इनटू SSP. आफ्टर यू लॉग इन टू SSP, यू नीड टू क्लिक गो टू SSP पोर्टल. देन स्टेप नंबर 4 इज यू नीड टू क्लिक रजिस्टर फॉर इंटरमीडिएट थ्रू CA फाउंडेशन रूट. नाउ दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. अभी जब हम रजिस्ट्रेशन करना सीखेंगे तब आपको पता चलेगा कि वहां पे दो बटन्स बने होते हैं इंटरमीडिएट रजिस्ट्रेशन के. एक होता है थ्रू CPT फाउंडेशन रूट और दूसरा होता है फॉर डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट्स. तो गलती से भी डायरेक्ट एंट्री सेलेक्ट मत कर लीजिएगा. स्टेप नंबर 5 इज अपडेट डिटेल्स एंड योर 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट. तो अगर कोई डिटेल्स आपको चेंज करना है, जैसे कि फोन नंबर, मेल आईडी, तो वो आप अपडेट कर सकते हो. एड्रेस चेंज करना है तो वो भी अपडेट कर सकते हो. और अगर कुछ नहीं करना है तो यू कैन जस्ट सेव एंड प्रोसीड, एंड देन यू नीड टू अपलोड योर 12th स्टैंडर्ड मार्कशीट. अगर ऑलरेडी अपलोड की है तो वापस अपलोड करने की जरूरत नहीं है. एंड देन द लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 6 इज यू हैव टू मेक ऑनलाइन पेमेंट यूजिंग इंटरनेट बैंकिंग, पेटीएम बैलेंस, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और एनीथिंग. करेक्ट. सो एट एन आउटसेट ये 6 स्टेप्स हैं. अब मैं आपके सामने एक्चुअल रजिस्ट्रेशन करके दिखाता हूं कैसे किया जाता है. अच्छे से देखिएगा, समझिएगा और फिर रजिस्ट्रेशन कीजिएगा. तो दोस्तों, इंटरमीडिएट का रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सबसे पहले आना पड़ेगा ICAI की वेबसाइट, दैट इज www.ici.org. और यहाँ पे आके आप देख सकते हैं देयर इज एन ऑप्शन ऑफ ई सर्विसेज. यस माय डियर फ्रेंड्स, इस ई सर्विसेज में जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ दिखेगा स्टूडेंट सर्विसेज. स्टूडेंट सर्विसेज में आपको क्लिक करना है सेल्फ सर्विस पोर्टल को. यस माय डियर फ्रेंड्स, यू हैव टू सेलेक्ट दिस ऑप्शन ऑफ सेल्फ सर्विस पोर्टल. जब आप इस ऑप्शन में जाते हैं आपको यहाँ दो ऑप्शंस दिखेंगे, सेल्फ सर्विस पोर्टल फॉर एग्जिस्टिंग मेंबर्स एंड स्टूडेंट्स और उन बच्चों के लिए जो CA फाउंडेशन का या इंटरमीडिएट डायरेक्ट एंट्री का फॉर्म भरना चाहते हैं. आपको ये पहला वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है बिकॉज आप लोग CA फाउंडेशन रूट के थ्रू हो, मतलब एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं. जब आप इसको क्लिक करते हैं तो आपसे पूछा जाएगा आपका स्टूडेंट लॉगिन ID एंड पासवर्ड. You can use this link of forget password in case you forgot your password. आप यहाँ पे आपका login ID एंटर कर सकते हैं और पासवर्ड को regenerate कर सकते हैं.
वैसे आपकी लॉगिन आईडी होती है आपका इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर फॉलोड बाय @icai.org। सो जो भी आपका स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर है उसको आप टाइप करेंगे और उसके पीछे सफिक्स होगा @icai.org एंड देन यू नीड टू एंटर द पासवर्ड फॉर इट। यू एंटर द पासवर्ड प्रेस लॉग इन। जब आप लॉग इन प्रेस करेंगे तो आप अगले पेज पे रिडायरेक्ट होंगे जहां पे आप अपने अकाउंट में लॉग इन होंगे। इस पेज पे आने के बाद आप यहां पे देख सकते हैं यहां पे लिखा है सेल्फ सर्विस पोर्टल, क्लिक हियर टू एक्सेस द SSP पोर्टल। सो आपको ये हियर के बटन को क्लिक करना है तो आप जाएंगे अपने डैशबोर्ड में। सो दोस्तों अब जो आपके स्क्रीन पे आएगा ये है आपका स्टूडेंट्स डैशबोर्ड। क्योंकि आप CA फाउंडेशन रूट के थ्रू हैं तो यहाँ पे आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अपेयर होगी, जैसे कि आपका नाम, आपका SRN, आपका मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी अलोंग विद योर फोटोग्राफ। आपका स्टेटस चेक कर सकते हैं, कोर्स रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन डेट, वैलिडेशन डेट और आपका रीजन आप यहां से चेक कर सकते हैं। डैशबोर्ड में नीचे देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा स्टूडेंट साइकिल। जब आप इस ऑप्शन को क्लिक करेंगे स्टूडेंट साइकिल को तो आप अपने कोर्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स को एक्सेस कर सकते हैं। आफ्टर क्लिकिंग दिस यू कैन चेक देयर आर टू बटन्स फॉर इंटरमीडिएट रजिस्ट्रेशन, वन इज फॉर थ्रू CPT फाउंडेशन रूट एंड अनदर इज डायरेक्ट एंट्री रूट। आपको ये CPT फाउंडेशन रूट वाला बटन क्लिक करना है। आप यहाँ अपना एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं, तो अभी हमने कोई सबमिट नहीं किया है तो ये फाउंडेशन का स्टेटस दिख रहा है। जैसे ही आप ये क्लिक करते हैं आपके सामने आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा दोस्तों, जिसमें तीन टैब्स हैं, पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल्स एंड पेमेंट डिटेल्स। यस माय डियर फ्रेंड्स, पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल्स एंड पेमेंट डिटेल्स। ये जो फॉर्म आपके सामने अपीयर होगा आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। ये एक प्री फिल्ड एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन टू इंटरमीडिएट थ्रू P1 CPT फाउंडेशन फॉर्म होगा। काफ़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्री फिल्ड होगी, लेकिन अगर आप चाहें तो अपने एड्रेस, फ़ोन नंबर्स इनको यहाँ पे चेंज करके क्लिक कर सकते हैं सेव एंड नेक्स्ट। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आप अपने क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आएंगे जहाँ पे आपके 10th और 12th स्टैंडर्ड के डिटेल्स आपको एंटर करना है। वेल एंटर्ड होंगे बट मार्कशीट आपको चेक करना है, यहाँ पे अपलोडेड लिखा हुआ होना चाहिए। इफ नॉट यू कैन प्रेस दिस बटन अपलोड 12th मार्कशीट, और जैसे ही आप प्रेस करते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि मार्कशीट जो है वो आपको इन फॉर्मेट्स में से किसी फॉर्मेट में सेव करना है और उसकी फाइल साइज जो है इट शुड बी अप टू 1 MB। उसको आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं और क्लोज प्रेस कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा कि ये बच्चे की मार्कशीट ऑलरेडी अपलोडेड है। यू हैव टू सेलेक्ट द रजिस्ट्रेशन मोड फ्रॉम दिस ड्रॉप डाउन एज न्यू फाउंडेशन, जो आपके डैशबोर्ड पे दिख रहा था। इफ यू रिमेंबर डैशबोर्ड पे न्यू फाउंडेशन लिखा था, वही आपको यहाँ पे एंटर करना है। ये सारी डिटेल्स ब्लैंक रखना है, नॉट ऑफ एनी यूज। मीडियम ऑफ इंग्लिश, मीडियम ऑफ स्टडी मटेरियल इंग्लिश है। आपको यहाँ पे स्पेसिफिकली सेलेक्ट करना है बोथ ग्रुप्स ऑफ इंटरमीडिएट विद आर्टिकलशिप। यस माय डियर फ्रेंड्स, ये आपको सेलेक्ट करना है, बाकी कोई डिटेल आप चेंज नहीं कर सकते हैं। प्रेस सेव एंड नेक्स्ट एंड नाउ यू कम टू द पेमेंट डिटेल्स। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपका फोटो और सिग्नेचर ऑलरेडी अपलोडेड होगा, आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज यू कैन कीप इट द सेम। ये दो ही फील्ड्स के आगे रेड स्टार मार्क है, मतलब मैंडेटरी है, बाकी मैंडेटरी नहीं है। नाउ यहाँ पे आप देख सकते हैं इंस्टीट्यूट आपको वर्चुअल क्लासेस ऑफर कर रहा है, मतलब पेड वीडियो क्लासेस। आप चाहें तो ऑप्ट कर सकते हैं, चाहे तो आप नहीं कर सकते हैं, आई डोंट रिकमेंड। पेमेंट डिटेल्स यहाँ पे आपको दिखेगी कि हाउ मच फीस आर यू सपोज टू पे फॉर इंटरमीडिएट, और ये सारे परमिटेशन कॉम्बिनेशन आपको यहाँ दिखेंगे। लेकिन आपकी जो फाइनल पेबल अमाउंट है ना, वो आपको यहाँ नीचे दिखेगा अंडर द टेबल नंबर 2 एज नेट पेबल। As I told, you need to register for CA intermediate both group along with articleship. Yes, my dear friends, both group along with articleship. So, my dear friends, what you need to do is you need to register for both the groups along with articleship, jiski fees hogi 18,000, and then you click generate OTP. Once you click generate OTP, you are redirected on another page jahan pe aapko ye image, ye numbers, ye characters enter karna hoga aur press karna hoga submit. जैसे ही आप सबमिट प्रेस करते हैं आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगा एक OTP। तो आप यहाँ देख सकते हैं OTP सेंट ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यू कैन एंटर दैट OTP। जनरली ये जो OTP है ये इमीडिएटली आ जाता है, आप इस OTP को एंटर करके इसको वैलिडेट कर सकते हैं।
वंस यू वैलिडेट, इंस्टीट्यूट आपसे रिकन्फर्म करता है कि OTP वैलिडेशन हो चुका है, क्या आप फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं, एंड देन आप कहते हैं हाँ मैं ये रिस्क उठाना चाहता हूँ, ये फॉर्म सबमिट करना चाहता हूँ। इंस्टीट्यूट दोबारा पूछता है कि प्लीज़ सेलेक्ट चेंज और अपडेट योर एग्जिस्टिंग मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। हम कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं, आगे बढ़िए। और जब हम ओके प्रेस करते हैं तो अब मुझे प्रेस करना होता है ये लास्ट बटन सबमिट। इंस्टीट्यूट तीसरी बार पूछता है भैया फिर से सबमिट करना है, हम कहते हैं ओके। और अब इंस्टीट्यूट हमें रीडायरेक्ट करेगा पेमेंट गेटवे वेबसाइट पर। इंस्टीट्यूट ने एसोसिएशन किया है विद पेटीएम फॉर द पेमेंट गेटवे वेबसाइट, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का ये पेमेंट गेटवे वेबसाइट ओपन हो चुका है पेटीएम का, जहाँ पे आपके सामने कई ऑप्शंस हैं पेमेंट करने के लिए यूजिंग पेटीएम, EMI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI एंड ऑल अदर सोर्सेज। तो आप अपने रिस्पेक्टिव पेमेंट गेटवे को यूज़ करके यहाँ पे पेमेंट मेथड को यूज़ करके यहाँ पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं फटाफट स्टूडेंट का पेमेंट करता हूँ और देखते हैं आगे बढ़ते हैं। OTP होता है, फटाफट आ जाता है, ये OTP मुझे आ गया, ये OTP मैंने एंटर करके प्रेस कर दिया, पे सिक्योरली। एंड नाउ प्लीज़ ध्यान रखिएगा इस पेज पे ना ही आपको बैक का बटन दबाना है, ना ही आपको रिफ्रेश का बटन दबाना है। पेमेंट इज सक्सेसफुल, आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है और आपके सामने आ गया है एक कन्फर्मेशन मैसेज कि ये पेमेंट 18,000 का जो था सक्सेसफुल हो चुका है, ऑर्डर ID, ट्रांजेक्शन ID ये सब हो चुका है, ये हमारे कोई काम का नहीं है। मैं ओके प्रेस करता हूँ और वापस आता हूँ अपने डैशबोर्ड पे, और डैशबोर्ड पे आने के बाद अब अगर मैं वापस स्टूडेंट साइकिल को क्लिक करता हूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, Kindly wait for 7 days for ICI to process your form. Status दिख रहा है submitted and the next level approval is the verifier. मतलब अब मेरा form verifier check करेंगे और मुझे बताएंगे कि क्या ये सही है या नहीं। जो form मैंने submit किया वो as it is यहाँ appear हो रहा है with all the particulars, और fees जो मैंने pay की है उसके payment details भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों मैं बिलीव करता हूं कि आपको ये रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस समझ में आई होगी। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज़ अपने रजिस्ट्रेशंस टाइमली मैनर में कर लीजिएगा, बिकॉज इफ़ यू मिस द कट ऑफ डेट्स देन यू मे हैव टू मिस योर अटेम्प्ट एज वेल। अब मैं आपको फटाफट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ अन अकेडमी के CA इंटरमीडिएट के बैच के बारे में। दोस्तों वो सभी बच्चे जिन्होंने दिसंबर 2020 में CA फाउंडेशन की एग्जामिनेशन क्लियर की है या जनवरी 2021 में ऑप्ट आउट का एग्जामिनेशन दिया है बट दे आर वेटिंग फॉर देयर रिजल्ट, प्लीज़ बी अंडरस्टूड दैट योर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन विल बी इन नवंबर 2021। सही सुना आपने, आपकी इंटरमीडिएट की एग्जाम होने वाली है नवंबर 2021 में। नवंबर 2021 अभी कोई कोविड की सिचुएशन सुधरी नहीं है, आप लोग अपने घर पे बैठ के अपने कन्वीनियंस से इंटरमीडिएट की प्रिपरेशन कर सकते हैं हम लोगों के साथ द बाहुबली टीम के साथ। माय डियर फ्रेंड्स, आई एम लीडर ऑफ एन एकेडमी CA टीम, टू माय राइट साइड इज द CA इंटरमीडिएट ग्रुप 1 टीम, ये है CA इंटरमीडिएट ग्रुप 1 की टीम, एंड टू माय लेफ्ट साइड आप यहां देख सकते हो CA इंटरमीडिएट ग्रुप 2 टीम। सो ये पूरी टीम लेके मैं आपके सामने आया हूँ। हम यहाँ पे अपनी एक स्पेशल बैच लेके आए हैं जो हम स्टार्ट कर रहे हैं 15th फरवरी 2021 से और अटेम्प्ट होगा नवंबर 2021 में। तो बैच का स्कीम कुछ इस तरीके से है दोस्तों कि हम इनिशियली सबसे पहले 15th फरवरी से ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मानना है कि बच्चा जब दोनों साथ में पढ़ता है तो वो टाइम को बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकता है। तो वीक में 4 दिन, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे हम ग्रुप 1 की क्लासेस लेने वाले हैं और फ्राइडे सैटरडे को ग्रुप 2 की क्लासेस लेने वाले हैं। ये पूरी क्लासेस खत्म होने के बाद, ग्रुप 1 ग्रुप 2 की क्लासेस खत्म होने के बाद 17 जून को दोस्तों हमारी ग्रुप 1 की जो क्लासेस है वो खत्म हो जाएगी, ओवर हो जाएगी। So your group 1 will get over by 17th of June 2021, but your group 2 classes will continue till 31st of August. And then on 31st of August, we will complete your group 2 classes and then you get complete 2 months, that is the month of September as well as October to prepare for November 2021 examination. So दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हो कि हम बहुत जल्दी दूसरे क्लासेस की तरह बहुत जल्दी ग्रुप 1 खत्म नहीं कर रहे हैं ताकि आप उससे अनटच ना हो जाए। हम इस चीज़ में बिलीव करते हैं हम कि क्लास के साथ साथ आपकी प्रिपरेशंस करवा के लेंगे। सो यहाँ पे अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो टाइम टेबल हमारा कुछ इस तरीके से होता है दोस्तों। आप ये टाइम टेबल देख सकते हैं कि हर रोज़ सुबह 9:45 पे हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही है। आफ्टर एवरी क्लास यू हैव गैप ऑफ 15 मिनट्स, ब्रेक दे रहे हैं हम आप लोगों को 15 मिनट का, बिल्कुल लाइव क्लास, फेस टू फेस क्लास वाली फीलिंग आने वाली है। लंच ब्रेक मिल रहा है आपको 1:30 से लेकर 2 PM तक का।
उसके बाद आपकी क्लासेस 6:15 तक चलने वाली है, मतलब 6:15 को दोस्तों आपकी क्लासेस खत्म हो जाएगी, समझ रहे हैं आप, 6:15 PM आपकी क्लासेस खत्म हो जाएगी। तो मंडे टू सैटरडे का ये शेड्यूल है, संडे इज योर ऑफ। सो अगर आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म से पढ़ना चाहते हैं, जो कि बेस्ट प्लेटफॉर्म है, अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ेगा। लेट मी टेल यू, अनअकैडमी की खासियत ये है कि एक सब्सक्रिप्शन आपको देखने आजादी देता है CA फाउंडेशन और इंटरमीडिएट दोनों का कंटेंट देखने की। तो दोस्तों CA फाउंडेशन और इंटरमीडिएट दोनों के सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं फॉर 12 मंथ्स और 24 मंथ्स, तो उसके प्राइजेस है 17,500 एंड 21,000। और अगर आप यहाँ पे रेफरल कोड में, यहाँ दिख रहा है आपको हैव अ रेफरल कोड, मेरा नाम यूज़ करते हैं अंशुल और एक अप्लाई का बटन आता है उसको प्रेस कर देते हैं, तो ये सब्सक्रिप्शंस आपको मिलने वाले हैं और भी कम प्राइजेस में। मतलब जहाँ पे इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप की पेन ड्राइव की कॉस्ट ऑलमोस्ट 1 lakh rupees होती है, जिसमें आपको लिमिटेड वॉच टाइम मिलता है और वो एक ही टीचर मिलता है जिसकी पेन ड्राइव आपने खरीदी है, अनअकैडमी आपके लिए लेके आ रहा है एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे आपको 18,900 में, यस माय डियर फ्रेंड्स, इन जस्ट 18,900 यू विल गेट राइट टू वॉच मोर देन 75+ टीचर्स, अनलिमिटेड वॉच टाइम। तो आपको अगर एक टीचर का नहीं पसंद आया तो दूसरा, दूसरा नहीं पसंद आया तो तीसरा, यू हैव चॉइस ऑफ टीचर्स अवेलेबल विद यू, आप किसी का भी कंटेंट देख सकते हैं एब्सोल्युटली विदाउट एनी लिमिट्स। So, कहते हैं ना दोस्तों, पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, बिकॉज इट विल बी वेरी यूजफुल फॉर एवरीवन, ताकि कोई भी बच्चा रजिस्ट्रेशन में मिस्टेक ना करे। प्लीज लीव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन ऑफ द वीडियो और मुझे बताइए कि हाउ दिस वीडियो हेल्प यू इन प्रिपेयरिंग इन डूइंग योर CA इंटरमीडिएट रजिस्ट्रेशन। तो जाने से पहले इतना ही कहना चाहूंगा दोस्तों, पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि पढ़ना बंद तो सीखना बंद, और सीखना बंद तो आगे बढ़ना बंद। फिर से मुलाकात होगी आपसे क्लासेस में। थैंक यू वेरी मच।